तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म का टॉपिक आज का हमारा है और यूजर फॉर्म में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरीके से हम यूजर फॉर्म में लुक फॉर एंट्री कॉलम का डेटा स्टोर करें, राइट। हमारा टॉपिक क्या था कि हमें लिस्ट बॉक्स में डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें नाम चाहिए था, राइट। चलिए तो डेवलपर में चलते हैं। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स, अब यहाँ पे हम लेते हैं। अब मैं फिलहाल मान लीजिए कि एक बटन का बटन चलते हैं, बाद में इसको चेंज करूंगा। और यहाँ पे एक बटन लगा के दे देता हूँ शो का। इस पे कोडिंग करते हैं। हम यहां डिफाइन करते हैं कि डिम डीटी, और इसमें हम करते हैं वन टू रो, एल डिफाइन कर रहे हैं कि रो वन टू। यहाँ पे मान लीजिए मैं 100 कर देता हूँ, और कॉलम हमारा कितना है, कॉलम हमारा है 8, तो कॉलम हमारा कर देते हैं 1 2 8। तो हमने एक डेटा टाइप का एरर दे दिया, और फिर यहाँ पे फोर लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 कहाँ तक, नीचे से ऊपर तक। तो बी कॉलम चल रहा है, तो रेंज, सॉरी यहाँ पे रेंज बी यहाँ पे ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट रो, ए नहीं करते तो बी करते हैं ना, ए करते हैं, और ये डेटा को उठा के हम दूसरे सीट पर रख देते हैं अलग, ताकि दिक्कत ना हो, नाम बन रखा, ठीक है। अब हमें यहां पे एफ कॉलन में ढूंढना है, तो यहाँ पे हम कंडीशन में यहाँ पे एक और लूप लगाते हैं, इफ लगाते हैं कि इफ रेंज, रेंज के साथ हमने एफ के साथ आई को किया, इसकी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हमारी मी डॉट टेक्स बॉक्स 1 की वैल्यू है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, तो केस सेंसिटिव मतलब बड़े छोटे का फर्क होता है, तो उसके लिए हम यू केस लगा देते हैं, क्योंकि बड़े हो सकता है बड़ा में लिख दे छोटा में लिख दे, तो यहां पे हम यू केस लगा देते हैं ताकि बड़ा लिखे फिर भी बड़ा हो जाए, छोटा लिखे फिर भी बड़ा हो जाए, ताकि केस सेंसिटिव ना रहे कंडीशन। अगर बराबर हुआ तो क्या करना है, यहां पे यहाँ पे लूप चलाना कि फोर जे इक्वल टू चले 1 2 8, क्योंकि 8 कॉलम है हमारा, 1 2 8, 1 2 8, और डी टी यहाँ पे आई कॉमा जे इक्वल टू सेल्स आई कॉमा जे डॉट वैल्यू, और नेक्स्ट जे, और यहां पे एंड इफ, और यहां पे नेक्स्ट आई। तो ये क्या करेगा,
वैल्यू को स्टोर कर लेगा, जो जितनी भी वैल्यू है उन वैल्यू को वो स्टोर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम करते हैं मी डॉट लिस्ट वॉक्स वन डॉट लिस्ट लिस्ट इक्वल टू डी टी, सिंपल था। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग में, लिस्ट बॉस की सेटिंग में, हमने यहाँ पे कॉलम काउंट वन है, यहाँ पे कर दीजिए एट। ठीक है, ताकि आठ कॉलम यहाँ पे आ जाए, और थोड़ा सा बड़ा करना है तो और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं IT लिखता हूँ और शो पे क्लिक करता हूँ। IT का डेटा, अच्छा यहाँ पे डेटा तो आया लेकिन बीच बीच में गैप हो गया है। अब इस गैप को रिमूव करना है, तो गलती यहाँ पर है, हमने I, J कर दिया है ना, यही एक दिक्कत हुआ है। तो यहाँ पे कर देता हूँ R इक्वल टू आर प्लस वन और यहां पे आई के जगह पे आर कर देता हूं, तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। IT अब इकट्ठा आ गया। ठीक है, और यहां पे एक चीज और भी है, यहां में कॉलम है ट्रू, तो कॉलम हेडिंग में आप चाहोगे कि मेरा पहला सी सेल का हेडिंग आ जाए तो वो नहीं आएगा, उसके लिए यहां प्रावधान नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया कि यहां पे जो भी हम रखेंगे उसका लिस्ट बना के दे देगा ये, जस्ट लाइक वी लुकअप लिस्टिंग। अब है कि जब मैं इसको डबल क्लिक करूं तो डबल क्लिक करते ही इस पे इसका डेटा आ जाना चाहिए, राइट। दूसरा हमारा ये प्रॉब्लम है, चलिए तो दूसरा यूजर फॉर्म पे हम इसका हेडिंग जो है हमारा वो हेडिंग चेंज करते हैं। और कैप्शन दे दीजिए, कैप्शन डेटा एडिट सेव। अब इसका यहां पे फॉन्ट है, क्लिक किया साइज बढ़ाने के लिए और इसके साइज 16 ले लिया, बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और कितने शीट है यहां पे, 8 टेक्स्ट बॉक्स में डिजाइन करने हैं। तो ये पहला, और इसी को कंटिन्यू कॉपी कर देते हैं, एक ठीक है। इसके ऊपर अपना आप हेडिंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिना हेडिंग लिखे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पे इसको एडिट से, ठीक
ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं इस पे डबल क्लिक किया तो मेरा ये यूजर फॉर्म ओपन होना चाहिए, मतलब कि मैं सीट पे, हमने बोल दिया क्लिक नहीं डबल क्लिक, डबल क्लिक और मी यहाँ पे यूजर फॉर्म टू डॉट शो। ठीक है, मतलब कि हमारा पहला ये जो फॉर्म ओपन हुआ, हमने यहाँ पे आईटी का डेटा लिखा और शो पे क्लिक किया, डेटा आ गया। फिर मैं इसको डबल क्लिक किया तो इस फॉर्म में पूरा का पूरा डेटा जो आप देख रहे हैं ना वे, ये डेटा यहाँ पे सेव होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और देता हूँ, एक और यहाँ पे एंट्री करता हूँ सिर्फ इसके लिए, क्योंकि यूनिक नंबर तो है नहीं, तो ये इसका रो नंबर होगा, रो नंबर के अकॉर्डिंग डेटा एंट्री करेगा। ठीक है, अब कैसे होगा है? तो इस पे डबल क्लिक। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसका डबल क्लिक, उसकी वैल्यू क्या होगी। कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू यहां पे कर देते हैं MST बॉक्स। इसमें क्या होगा कि अगर मैंने यहां पे आइकन किया, इसका नाम में पहला नंबर आता है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं डेटा में सीरियल नंबर कोड कोड भी कर सकते हैं या रो नंबर भी कर सकते हैं। तो डेटा में एक रो नंबर ऐड करना पड़ेगा, हम ऐड नहीं भी करेंगे फिर भी चला रहेगा, उसके थोड़ा सा लेंदी कोड है, वो कोड हम आपको बाद में समझाएंगे। फिलहाल आप समझिए कि हमारा रो नंबर है, उससे स्टार्ट है जिससे आपको आगे डेटा एंट्री करने में भी सुविधा होगा। तो पहले हम सिंपलाइज करते हैं, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड। और मेरा भी सोच करता हूँ, ओके, क्योंकि बढ़ गया ना इसलिए थोड़ा सा कोड, इस यूजर फॉर्म का एक पहला कोड चेंज करना पड़ेगा, इसमें एफ के जगह पे मुझे जी करना पड़ेगा, 8 के जगह पे 9 करना पड़ेगा और यहां भी हमको 9 करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके अब बाद हम लिस्ट बॉक्स का कॉलम काउंट भी हमें 9 करना पड़ेगा। अब सही हो जाएगा, तो आईटी शो किया, डेटा आ गया। अब जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका रो नंबर 54 है। तो अब यहाँ पे अब इसकी कोडिंग खत्म हो गई, अब दूसरे फॉर्म में कोडिंग, इसकी कोडिंग में हमें बस इतना ही करना है कि यहाँ पे हमने मैसेज बॉक्स पे जो शो कराया ना, मैसेज बॉक्स उसे नहीं कराते हैं, यहां करते हैं यूजर फॉर्म टू डॉट यूजर फॉर्म स्पेलिंग मिस्टेक, टू डॉट टेक्स्ट बॉक्स सबसे लास्ट वाला है ना,
नहीं, डॉट वैल्यू आईटी शो, यहाँ पे 54 आ गया। अब यहाँ पे 54 आ जाएगा तो इसके हिसाब से बाकी डेटा उठ ही सकता है हमारा, ठीक है। तो आप यहाँ के फॉर्म इनिशियलाइजर में या फिर इसी में लिस्ट इसी में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में हम कर सकते हैं यहाँ पे। इक्वल टू रेंज ए साथ कंबाइन हो गया क्या मीन डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू ठीक है। तो यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, और एक जगह पे बी, इसके जगह पे सी, इसके जगह पे डी, और इसके जगह पे एफ, एंड सिक्स सेवन एट एफ G, H एंड R। अब प्ले कीजिए एक बार, मैंने IT कर दिया और मैं जैसे इस पे डबल क्लिक किया डेटा आ गया, ठीक है सर। अब मैं जैसे ही इसको मान लीजिए 5 के जगह 4 कर दिया और सेव एडिट सेव पे क्लिक करूंगा तो डेटा इसमें स्टोर हो जाए। तो ये तो मैंने बता ही रखा आपको क्या सर, क्या सर कि बताना पड़ेगा। बस उल्टा हो जाएगा, जैसे कि जो कोडिंग आपने इसमें लिस्ट बॉक्स में किया हुआ है ना, ये कोडिंग जो आपने किया हुआ है बस इसी कोडिंग का अपोजिट हो जाएगा। मैं कर ही देता हूं यहां पे कि रेंज ई के साथ कंबाइन है यहाँ पे यूजर फॉर्म टू डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन नहीं होगा यहाँ पे नाइन वैल्यू इक्वल टू यूजर फॉर्म टू डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू। बस इसी को हम 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ नहीं आठ ही होगा, और यहाँ पे ए नहीं होगा बी से स्टार्ट होगा क्योंकि ए तो फाइनल है ना हमारा, सी डी ई एफ जी एच आई, और फिर यहां पे वन सॉरी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन Thank you.
बांध हेलो तो यहां पे हमने एक से लेके एक तक की वैल्यू कर दिया और यहां पे भी हमने बी से लेके आई तक का कर दिया ठीक है। और फिर यहां मैसेज बोल देते हैं एमएसजी बॉक्स डेटा हैव चेंज राइट ऑल फीस को प्ले करते हैं। तो इसको प्ले नहीं करना हमें, हमें तो उसके थ्रू चलना है ना यहां पे आईटी एप्स में लिख दिया आ गया डबल क्लिक किया। अब मैं डिपार्टमेंट जो है आईटी के जगह पे पूना कर दे आईटी के जगह पे मैं कर देता हूं फाइनेंस और इसको एडिट शेप करता ठीक है। और फिर वापस शो पे क्लिक करता हूं हट गया चेंज हो गया। आप चाहते हो कि मैं जब इस पे डबल क्लिक करने के बाद जब मैं सेव करूं तो ये हमारा हट जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको यहां पे अनलोड करना पड़ेगा अनलोड यूजर तो इससे क्या होगा ये आपका इस पे जैसे क्लिक किया तो क्लिक करते हो हट भी जाएगा ठीक है। यहां पे कोई और डिपार्टमेंट लेता हूं आईटी के अलावा मैं लेता हूं सेल्स ठीक है डबल क्लिक सेल सेल ये मैंने आपको बोला था एक पार्ट समझ में आ गया आपको बस इस पार्ट में एक छोटी सी कमी है। कमी यह है कि हमें डेटा का रो नंबर या यूनिक नंबर हमें लिखना पड़ा। मैं ऐसा नहीं चाहता तो एक फाइल में आप लोगों को भेज रहा हूं
आप लोग इस फाइल के ऊपर वर्क कीजिए और मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन दे दीजिए। ठीक है, बाकी सोल्यूशन मुझे पता है, मेगा में बाकी वीडियो सोल्यूशन डाल। फिर मैं आप जानता हूं। मेगा में अपलोड कर दो वीडियो।